गाय के चार पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है, माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए जिससे बच्चे याद। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। और क्योंकि प्रश्न आते थे उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का विधान। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ो। गाय अगर पाठ्यक्रम में जुड़ेगी तो जरा जरा से बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि गाय हमारी माता है और इसको हमें संभालना। आज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही कि गाय हमारी माता है और इसलिए हमें संभालना। उनकी निगाह में तो बस बी फॉर डॉग, उनके ध्यान में आ गया कि कुत्ता पाल लो, सवेरे सवेरे चड्डा पहन के टी शर्ट लेके जंजीर से बांध के कुत्ता घुमाओ। वेद शास्त्र कहते हैं सवेरे सवेरे गौ माता के पीछे चलो तो दिन अच्छा निकलता है, और यहाँ सवेरे सवेरे कुत्ते के पीछे चल रहे इनके घर के बच्चों को नौकरानी छींची करा रही, ये कुत्ते को छींची करा रही। बड़े बड़े पैसे वालों के घर के बच्चों को नौकरानी बिचारी संभालती, छींची कराती, उसके पंथरिया बांधती, कपड़ा बांधती, कपड़े पहनाती, और उनके घर के कुत्ते को बड़े बड़े सेठ पेंटिंग पेंटिंग करके सेठानियां जंजीर से बांधकर सवेरे सवेरे छींची करा। भगवान ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा कि कुत्ते को छींची करा। तुम्हारे भाग्य में लिखा भगवान कि सवेरे से उठना और कुत्ते को छींची करना, कुत्ते को घुमाना। जरा अपनी किस्मत को तो सोचो कि तुम्हारा भाग्य भगवान ने इतना धन देने के बाद भी तुम्हारी किस्मत में कुत्ता घुमाना लिखा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बस यही निवेदन, और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि आपके पाठ्यक्रम में एक पाठ गौ माता का जोड़ दीजिए जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के लिए जागृत हो सके, तब सार्थक होगा। और अगर ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचे, राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचे, तो आने वाले समय में जिस जिस जगह कथा करने जाएंगे वहां पर 5 पैसे का 15 पैसे का पोस्ट कार्ड सबसे लिखवाएंगे, पता लिखवाएंगे और पहुंचवाएंगे कि गौ माता का पाठ्यक्रम हमारे सब्जेक्टों में होना जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा के लिए आप गौ माता। और मेरा निवेदन आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आज की कथा में से काट कर पूरे भारत की भूमि पर एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक इंस्टाग्राम पर ये चलना चाहिए कि सनातन धर्म में गौ माता के लिए भी एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए।
एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम, अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो पाठ हो, पर हो